दोस्तों, हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनका हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यही कारण है कि कई बार ज्यादा काम या मांसपेशियों में खिंचाव आदि आने के कारण उस अंग में दर्द होने लगता है। कंधा भी एक ऐसा ही अंग है जिसका दिन भर इस्तेमाल किया जाता है और कई बार इसमें दर्द होने लगता है। कंधे का दर्द ज्यादातर मामलों में मांसपेशियों में खिंचाव या ऐठन के कारण होती है, लेकिन अक्सर कंधे में दर्द का होना कोई गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। कंधे का दर्द दिल की बीमारियों से लेकर कई बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकता है, इसलिए कभी भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हमेशा कंधे में दर्द का होना किन किन बीमारियों का संकेत हो सकता है। नंबर वन, हृदय रोग। दोस्तों, अचानक से बाएं कंधे में दर्द होना एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि कई बार यह कुछ लोगों में हार्ट अटैक से पहले आने वाला एक संकेत हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को बाएं कंधे के साथ साथ दाएं कंधे में भी दर्द होने लगता है, और अगर आपको कंधे के साथ साथ सीने में दर्द या दबाव महसूस हो रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें, नहीं तो हार्ट अटैक आ सकता है। नंबर टू, रूमेटाइड अर्थराइटिस। दोस्तों, कंधे का दर्द कई बार रूमेटाइड अर्थराइटिस का संकेत हो सकता है। यह शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाली एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है। अगर आपके परिवार में पहले किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस या अन्य कोई ऑटो इम्यून बीमारी हुई है तो ऐसे में आपको कंधे के दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपको भी रूमेटाइड अर्थराइटिस हो, तो डॉक्टर से इलाज करवाइए। नंबर थ्री, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंधे में होने वाला दर्द निश्चित रूप से किसी बड़ी बीमारी का संकेत देता है। यह आम तौर पर किसी सामान्य समस्या के कारण भी हो सकता है, जैसे कंधे में चोट लगना, मोच आना या रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर आदि के कारण भी कंधे में दर्द होने लगता है। ऐसे में आप घर पर पेन किलर या मालिश जैसे घरेलू तरीकों से इस स्थिति का इलाज कर सकते हैं। अगर पेन किलर से दर्द कम नहीं हो रहा है या फिर दर्द बढ़ता ही जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर फोर, सिकाई हो सकती है फायदेमंद। दोस्तों, अगर आपको खेल कूद के दौरान चोट या मोच आई है तो ठंडी और गर्म सिकाई की मदद से इस कंधे के दर्द को ठीक किया जा सकता है। मोच या चोट के मामले में जितना हो सके कंधे को आराम दें और समय समय पर गर्म और ठंडी सिकाई करते रहें। दर्द और सूजन को कम करने के लिए पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई डॉक्टर की सलाह से ली जा सकती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।